न्याय दर्शन की 50वीं कक्षा। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय अंक चल रहा है और इसमें शब्द के विषय में, शब्द के नित्यत्व अनित्यत्व के विषय में चर्चा चल रही थी और उसमें हमने 13वें सूत्र के कुछ भाष्य को देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम। पृष्ठ संख्या 240। हाँ, भाष्य में सबसे ऊपर पंक्ति है, कृतकवत उपचारात्। हाँ, इसमें तीव्र सुख, तीव्र मंद सुख, तीव्र दुख आदि लिए थे उदाहरण, और उसे शब्द को बताया गया था कि तीव्र शब्द और मंद शब्द ऐसा व्यवहार होता है, इससे शब्द अनित्य है ऐसा ज्ञान होता है, सिद्धांति ने ऐसा कहा था। और पूर्व पक्ष ने फिर बताया कि हम तीव्र जो शब्द, तीव्र तीव्र मंद शब्द आदि जो व्यवहार होता है वो हम ज्ञान के माध्यम से करते, ज्ञान के अंदर तीव्र और मंदता होती है। तो और उसका फिर आगे सिद्धांति ने उसका खंडन किया, और आगे सिद्धांति ने उसका खंडन कर दिया। हाँ, वास्तव में शब्द तीव्र मंद होता है ऐसे कहा था। हाँ, तो शब्द तीव्र मंद होता है, शब्द का ज्ञान तो वही रहता है, वो तीव्र मंद नहीं होता है। अगर अभिव्यक्ति पक्ष में उसको पूर्व पक्ष ऐसा मान ले कि अभिव्यक्ति उसकी तीव्र और मंद होती है, ज्ञान को न लेकर अभिव्यक्ति में ऐसा कहे तीव्र और मंदता होती है, तो कैसे फिर है उसका खंडन होगा। हाँ, यदि अभिव्यक्ति पक्ष में भी शब्द की तीव्रता मंदता वो स्वीकार कर रहा है तो शब्द अनित्य हो जाएगा। तीव्रता मंदता यानी न्यूनाधिकता कहिए आप, उसमें भेद हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है तो वो अनित्य होगा, ये भाव इसके पीछे है। उत्पत्ति पक्ष तो वो मानता ही नहीं है, पूर्व पक्षी तो उत्पत्ति पक्ष मानता ही नहीं है, वो शब्द को जब भी बोलेगा तो अपने अभिप्राय के अनुरूप अभिव्यक्ति पक्ष में ही बोलेगा, और सिद्धांती जब भी बोलेगा वो उत्पत्ति पक्ष में बोलेगा। लेकिन यहाँ जो तीव्रता मंदता का विषय चल रहा है, ये उत्पत्ति और अभिव्यक्ति को एक तरफ रख करके शब्द के ऊपर चल रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे अभिव्यक्ति मानो चाहे उत्पत्ति मानो, यदि तीव्रता मंदता है तो उससे अनित्यत्व सिद्ध होगा, ये मान करके कथन है। इसलिए अभिव्यक्ति को या उत्पत्ति को उसको बीच में नहीं लाया गया। हम ये कहें कि अभिव्यक्ति पक्ष में तो तीव्रता मंदता अनित्यत्व को नहीं बताएगी, उत्पत्ति पक्ष में तीव्रता मंदता अनित्यत्व को बताएगी, ऐसा कोई भेद नहीं है। तीव्रता मंदता किसी भी पक्ष में हो, दोनों ही जगह वो अनित्यत्व को बताएगी, इसलिए उसको एक तरफ छोड़ करके बस शब्द की, शब्द मात्र की, जिसको भी जिस भी रूप में वो मानता है, तीव्रता मंदता मानता है या नहीं मानता है, बस इतना मान कर, इतना कह विचार करके नित्यत्व अनित्यत्व की चर्चा की गई। हाँ, और इसी पृष्ठ में अंतिम पंक्ति है 240 पृष्ठ में। हाँ, न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम शब्दश्च न भिद्यते। हाँ, ये पंक्ति समझ में नहीं आई। हाँ, देखिए इससे पहले से देखिए सिद्धांत ने कहा तच्च नैवम अभिभावोपपत्ते हैं। अभिभाव की उपपत्ति होने से, अभिभाव के देखे जाने से अभिभाव होता है, सिद्ध है। और उससे क्या पता लगेगा अभिभाव कैसे, उसमें तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवति। तो तीव्र भेरी शब्द मंद तंत्री शब्द का अभिभाव करता है, न कि मंद भेरी शब्द मंद तंत्री शब्द का अभिभाव करता है।
तो यहां पर सिद्धांती कह रहा है कि शब्द अभिभव करता है। जब शब्द तीव्र होता है तो अभिभव होता है, शब्द तीव्र नहीं होता है तो दूसरे का मंद का अभिभव नहीं होता है। ये भेद देखा जा रहा है, यानी तीव्रता से अभिभव है और तीव्रता नहीं है तो अभिभव नहीं है, ये देखा जा रहा है। ठीक है, अब इस पे कह रहे हैं न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण अभिभावक नहीं है। यहां जो शब्द के अभिभावक की बात कही गई है तो अभिभावक उसको दबाने वाला, तो वो कहां है, तीव्र भेरी शब्द में कही गई है। अब इसको यूं कल्पना कीजिए, सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि यदि शब्द का ज्ञान अभिभावक होता, यदि शब्द का ज्ञान अभिभावक होता, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यही कहा था, उसको पृष्ठभूमि में मानते हुए अभ्युपगम से ये कथन मानेंगे, यदि शब्द का ज्ञान अभिभावक होता तो ये अभिभाव नहीं हो सकता था। पूर्व पक्षी ने कहा था शब्द के ज्ञान में तीव्रता मंदता होने से अभिभव हो रहा है, सिद्धांती ने कहा कि नहीं, शब्द के तीव्रत्व मंदत्व से अभिभव हो रहा है। यदि शब्द का ज्ञान अभिभव करता तब तो चाहे तीव्र भेरी शब्द होता चाहे मंद भेरी शब्द होता वो अभिभव कर देता। क्यों कर देता, क्योंकि शब्द तो वही है, शब्द का ज्ञान, शब्द का जो ज्ञान है शब्दश्च न विद्यते, क्योंकि शब्द का भेद नहीं है। किस तरह से, तीव्र भेरी शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वो, और मंद भेरी शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो एक ही है, शब्दश्च न विद्यते, शब्द यहां भिन्न नहीं हो रहा है, जैसा यहां लिखा है उसके अनुसार बोल रहा हूं अभी। यहां शब्द का मतलब है शब्द का ज्ञान, तब संगत लगेगा, और यदि इसको शब्द पे ही घटाएंगे तो परिवर्तन करना पड़ेगा, न च शब्द न भिद्यते, उसको बाद में देखते हैं। अभी यूं सोचिए कि ये कैसे तर्क रख रहा है, जब तीव्र भेरी शब्द हुआ तो पूर्व पक्ष के अनुसार तीव्र भेरी शब्द का ज्ञान मंद तंत्री शब्द के ज्ञान का अभिभव कर रहा है, पूर्व पक्षी के अनुसार ज्ञान उसका अभिभव कर रहा है। सिद्धांत कह रहा है कि शब्द में तो कोई भेद ही नहीं है, जैसे ओम तेजी से बोलो तो भी हमें ओम ही ज्ञान होता है, और ओम धीरे बोलो तब भी हमें ओम का ही ज्ञान होता है। ठीक है, अजमेर शब्द तेजी से बोलो चाहे धीरे से बोलो एक ही ज्ञान होगा हमें, ज्ञान में भेद नहीं होता है। तो इस भेद किस में है, शब्द में। अब अभिभगम से लीजिए, यदि शब्द के ज्ञान से अभिभव हुआ होता तो जब मंद भेरी शब्द था उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उससे भी अभिभव हो जाना चाहिए था, क्योंकि शब्द का जो ज्ञान है वो तो भिन्न हो ही नहीं रहा है। तीव्र भेरी शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जिस समय तीव्र भेरी शब्द था उस समय ज्ञान उत्पन्न हुआ था, तब तंत्री शब्द अभिभव हो गया था, उसके हिसाब से तंत्री शब्द का ज्ञान अभिभव हो गया था। ठीक है, अब जब मंद भेरी शब्द है उससे भी अभिभव होना चाहिए, क्योंकि भेरी शब्द से जो भेरी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अंदर वो तो समान ही है, वो तो समान ही है, और समान है तो समान से समान ही परिणाम आना चाहिए। तीव्र भेरी शब्द से जो ज्ञान हो रहा है वह भी वही है, और मंद भेरी शब्द से जो ज्ञान हो रहा है वह भी वही है। यदि तीव्र भेरी शब्द से उत्पन्न ज्ञान तंत्री शब्द के ज्ञान का अभिभव कर रहा था तो मंद भेरी शब्द से उत्पन्न ज्ञान भी
तंत्री शब्द के ज्ञान का अभिभव करने वाला होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। जिस समय मंद भेरी शब्द है उस समय उत्पन्न ज्ञान मंद तंत्री शब्द के ज्ञान का अभिभव नहीं कर रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है ना। यदि भेरी शब्द का ज्ञान अभिभव कर रहा होता तो वो तो दोनों बार है, चाहे भेरी शब्द तीव्र हो चाहे मंद हो, ज्ञान तो दोनों बार है। और ज्ञान से ही अभिभव होता तो दोनों जगह अभिभव होना चाहिए था, लेकिन कभी अभिभव हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ज्ञान है, शब्द का जो ज्ञान है उससे अभिभव नहीं होता है। फिर किससे अनुभव होता है? शब्द से अभिभव होता है, क्योंकि शब्द में भेद है। वहां पर जब तीव्र भेरी शब्द होगा तो अभिभव होगा, जब तीव्र भेरी शब्द नहीं होगा तो अभिभव नहीं होगा। यानी शब्द के आधार पर यदि हम अभिभव अनभिभव को देखें तब तो संगति लगती है। यदि ज्ञान के आधार पर अभिभव अनभिभव को मानेंगे तो वो तो नहीं होना चाहिए फिर, जबकि अभिभव अनभिभव तो देखा जा रहा है। इसलिए शब्द के ज्ञान से अभिभव नहीं होता, शब्द से ही अभिभव होता है। इससे क्या पता लगा कि तीव्रता और मंदता शब्द में ही है, और ये शब्द में है तो शब्द अनित्य है। ठीक हो, एक संशय उठ रहा है, जैसे सिद्धांतिक विषय में आपने कहा कि तीव्र भेरी शब्द और मंद भेरी शब्द दोनों का ज्ञान एक समान होगा कह रहे थे, तो दोनों का ज्ञान एक समान तो पूर्व पक्षी मानता नहीं, वो तो ऐसा मानता है कि ज्ञान में तीव्रता भेरी शब्द की और मंद की भी ज्ञान में ही मानता है कि मंद भी भेरी शब्द होता है, तो भिन्न भिन्न मानता है वो, ऐसा मानता है। पर सिद्धांति ने कहा कि ऐसा नहीं है, कहा ना कि शब्दश्च न विद्यते, तो शब्द का ज्ञान है वो भिन्न नहीं होता है। क्या आप भारत को जोर जोर से बोल दो तो भी भारत वही है, वही ज्ञान होगा, और धीरे धीरे बोलो तो भी वही ज्ञान होगा। भारत माता की जय शब्द का ज्ञान, हाँ उस व्यक्ति के जोश का पता लगता है, और हमारे में जोश आएगा वो ठीक है, लेकिन शब्द का जो ज्ञान है, भारत में गंगा बहती है, अब उसको तेज बोल दो चाहे धीरे बोल दो वही ज्ञान होगा। ज्ञान की जहां तक बात है, अर्थ का ज्ञान तो बराबर, अर्थ का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान में तो भेद आ जाएगा, कोई धीरे धीरे बोल रहा है, कोई तेजी से बोल रहा है, कोई पतली आवाज में बोल रहा है, कोई मोटी आवाज में बोल रहा है, वो तो शब्द के स्वरूप का भेद, वो तो ज्ञान भेद होगा ही, लेकिन उससे ज्ञान के तीव्रत्व मंदत्व को नहीं कहते। ज्ञान की तीव्रता मंदता नहीं होगी, शब्द का तीव्रता मंदता है। हाँ, यहां तो जैसे शब्द की चर्चा है तो वो जो ज्ञान है वो शब्द तीव्र का ज्ञान है, और एक ज्ञान है मंद मंद शब्द का ज्ञान, उस तरह क्यों नहीं देख सकते हैं? जैसे पूर्व पक्ष देखो, एक तो है शब्द और एक है शब्द की तीव्रता और शब्द की मंदता। ये तो हमें पता लगता ही है कि ये भेरी शब्द है, और ये भी पता लगता है कि भेरी शब्द तीव्र है, ये भी पता लगता है कि भेरी शब्द मंद है, ये जो हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन इससे उस ज्ञान की तीव्रता मंदता नहीं हो रही है। शब्द का पता लग रहा है भेरी शब्द है, और उसकी तीव्रता का भी पता लग रहा है, और भेरी शब्द की मंदता का भी पता लग रहा है। इन दोनों का जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान की तीव्रता मंदता नहीं है, ज्ञान तो वैसा ही है। तो शब्दश्च न विद्यते, शब्द तो अंदर भिन्न नहीं, शब्द मतलब शब्द का ज्ञान अंदर भिन्न नहीं हो रहा है। अब इसका जो दूसरा अर्थ था जो कि मैं मुख्य मान करके कह रहा था, यहां तो हमारे को शब्द का मतलब शब्द का ज्ञान ये अर्थ करके फिर संगति लगानी पड़ रही है, और इसमें हमारे को अध्याहार करना हो रहा है। न च शब्द न भिद्यते, अब इसमें क्या कह रहे हैं, न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था शब्द का ग्रहण अभिभावक है, ग्रहण यानी ज्ञान, उसका निषेध कर रहा है। ये तीव्र और मंद भेरी शब्द से तंत्री का जो एक उदाहरण दिया इसके आधार पर खंडन कर रहा है निष्कर्ष के रूप में। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण अभिभावक नहीं होता है, फिर शब्द अभिभावक होता है। शब्द अभिभावक होता है, शब्द का ग्रहण अभिभाव करने वाला नहीं होता, क्योंकि पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका विपरीत कह रहा है। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम,
दूसरा पूर्व पक्षी ने वहां क्या कहा था, न तो शब्दों भित्यते, उसका कहना था शब्द में भेद नहीं है, शब्द के ज्ञान में भेद है, शब्द के ग्रहण में भेद है। तो उसने कहा था न तो शब्दों भित्यते, तो सिद्धांत कह रहा है न च शब्द न भित्यते, शब्द न भित्यते, ये जो आपने कहा था वो ठीक नहीं है, यहां शब्द में ही भेद है, ये जो तीव्रता मंदता है ये शब्द में ही भेद है। आप जो कह रहे हो कि शब्द में भेद नहीं है, शब्द के ग्रहण में भेद है, तो इन्होंने कहा कि शब्द के का ग्रहण तो अभिभावक ही नहीं है, शब्द के ग्रहण में भेद नहीं है, शब्द में भेद है, शब्द में भेद नहीं है, ये जो आपका कथन है ये ठीक नहीं है। तो न च शब्द न भित्यते, दूसरी संगति इसकी ऐसे है। और कोई आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 238, सूत्र संख्या 13, जिसमें कल उन्होंने ऐन्द्रिय तत्वात कहा था कि जिसमें इंद्रियों से जिसका ग्रहण होने से अनित्य है, तो आत्मा का इंद्रिय से ग्रहण होने से अनित्य है, शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, अनित्य है। हाँ। तो और जो भी माने कोई भी प्रमेय जो इंद्रियों से ग्रहण होती है वो अनित्य ही होती है, अगर इंद्रियों से ग्रहण हो तो हम आत्मा का जो प्रत्यक्ष करते हैं जब उसमें तो उस समय मन मन भी रहता है, मन के द्वारा ही हम करते हैं, मन से हम आत्मा का प्रत्यक्ष करते हैं, तो फिर उस समय इंद्रिया तो रहती है, तो फिर इंद्रिय का मतलब यहाँ पर ज्ञानेन्द्रिय, इंद्रिय का मतलब ज्ञानेन्द्रिय, यहाँ मन को नहीं लेंगे, ज्ञानेन्द्रिय लेंगे। और अभी इस विषय में और चर्चा चलेगी, क्योंकि इन्होंने देखो इंद्रिय कत्वात को क्या खोला था 239वें पृष्ठ पर, हा इंद्रिय कत्वात, इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य इंद्रिय का, इंद्रिय का मतलब केवल इतना नहीं है कि जिस चीज का इंद्रिय से ग्रहण होता है, इसमें प्रत्यासत्ति एक शब्द और पड़ा हुआ है, इंद्रिय की प्रत्यासत्ति से ग्राह्य होने से इंद्रिय गए, क्योंकि पूर्व पक्षी इसका खंडन करेगा, अभी ऐसा उदाहरण देगा कि जो जैसे आपने आत्मा का दे दिया एक तरह से, उसको भी मान लें तो इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है वो भी नित्य होती है, ऐसा बताएगा अभी पूर्व पक्षी। आज आप लोगों को तो कोई उदाहरण नहीं सूझा होगा, वायु, न्याय दर्शन में आया ऐसा कि वायु नित्य है, परमाणु, उसका परमाणु को नित्य मानते हैं, लेकिन परमाणु में स्पर्श है या नहीं है, परमाणु में, परमाणु के लिए क्या कहा था इन्होंने, है परमाणु स्पर्श वाला है या स्पर्श वाला है, नहीं अतीन्द्रिय तो ठीक है, अतीन्द्रिय तो ठीक है, वो रूप से नहीं दिखाई देता, लेकिन स्पर्श की दृष्टि से क्या कहा था, स्पर्शवान, स्पर्शवान है, क्या कहा था, चलो ठीक है, इस पर कुछ चर्चा आगे चलेगी। हाँ। और आचार्य जी पृष्ठ संख्या 239, पहले अनुच्छेद की पांच छठी पंक्ति है, कीमियम व्यंजक केन समान एक देश समान देशो अभिव्यंजते, ये जो पंक्ति है इसमें आपने कहा था कि व्यंजक के समान इससे पहले वाले व्यंजक के समान देश में ग्रहण होगा तो वह नित्य है, स्पष्ट नहीं हो रहा, ये पूर्व पक्षी का पक्ष है, दो पक्ष यहां पर रखाए जा रहे हैं ना, तो इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य ये ऐन्द्रियक है, तो ये जो शब्द है ये व्यंजक के समान देश में यदि प्रकट होता है रूप आदि के समान, ऐसा है अथवा संयोग जात शब्दात शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति, दोनों तरह में से किससे गृहित होता है, यदि जहां पर व्यंजक होता है वहीं पर ही गृहित होता है तो अभिव्यक्तिवाद सिद्ध होता है, ठीक है, जहां पर प्रकाश है
वहीं पर ही वो घड़ा दिखेगा। जब तक प्रकाश है तभी तक घड़ा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इससे क्या सिद्ध होता है? अभिव्यक्तिवाद। और अभिव्यक्तिवाद का मतलब हुआ कि जब वो अभिव्यक्त हुआ उससे भी पहले था। उत्पत्तिवाद में जब वो दिखाई दिया उससे पहले नहीं था, तो उससे पहले नहीं था तब तो अनित्य हो गया। और अभिव्यक्तिवाद मानेंगे तो वो अभिव्यक्त हुआ उससे पहले भी था, था मतलब अनित्य नहीं था। इस तरह से अभिव्यक्तिवाद में समान देश में अभिव्यक्त अगर होता है तो उससे वो नित्यता को सिद्ध करेगा। पूर्व पक्षी अभिव्यक्तिवाद में शब्द नित्य सिद्ध होगा ना, उत्पत्तिवाद में शब्द अनित्य सिद्ध होगा। और अभिव्यक्तिवाद में यह आएगा कि व्यंजक के समान देश में ही वो अभिव्यक्त होगा। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि शब्द व्यंजक के समान देश में ही होता है तो अभिव्यक्तिवाद सिद्ध हो जाएगा, और अभिव्यक्तिवाद सिद्ध हुआ तो शब्द नित्य सिद्ध हो जाएगा। और यदि व्यंजक के समान देश में के अतिरिक्त भी वो उपलब्ध हो रहा है तो इसका मतलब है अभिव्यक्तिवाद नहीं है, उत्पत्तिवाद है। और अभिव्यक्तिवाद नहीं है, उत्पत्तिवाद है, तो शब्द अनित्य सिद्ध हो जाएगा। ये इसके पीछे का आधार है इनका। जो इन्होंने दृष्टांत दिया था दीपक के प्रकाश से घट आदि का प्रत्यक्ष हो जाता है, तो ये उस वो कैसे घटेगा? मतलब इस पंक्ति जहां जब तक दीपक वहां रहेगा, जब तक दीपक वहां रहेगा, अभिव्यंजक जब तक रहता है तभी तक अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यंजक जब तक होता है तब तक ही अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति पक्ष में, ठीक है। और अभिव्यंजक समाप्त हो जाता है, हट जाता है, तो अभिव्यक्ति नहीं होगी। लेकिन अभिव्यक्ति तभी तक रहती है जब तक अभिव्यक्ति तब तक बनी रहती है जब तक अभिव्यंजक भी रहता है, ठीक है। यहां पर शब्द के संदर्भ में अभिव्यक्ति का कारण दारुपरशु संयोग, और अब दारुपरशु संयोग नहीं रहा तो भी शब्द सुनाई दे रहा है। तो जब अभिव्यंजक नहीं है तब भी अभिव्यक्ति हो रही है, यह अभिव्यक्तिवाद में नहीं हो सकता है। अभिव्यक्तिवाद में जब तक कारण है तभी तक रहता है, कारण अभिव्यंजक नहीं है तो कार्य भी नहीं रहेगा, वो अभिव्यक्त नहीं होगा, वो नियम यहां लग नहीं रहा है। तो समान देश का मतलब जहां जहां, क्योंकि अभिव्यंजक कारण कहां पर है? जहां दारू परशु संयोग हुआ था वहीं पर ही तो है जी, तो शब्द भी वहीं पर ही रहना चाहिए जी, दूसरी जगह नहीं। दीपक तो जला यहां और घड़ा दिख रहा है अमेरिका का, ऐसे थोड़ा ना होगा। दीपक का प्रकाश जहां तक जा रहा है वहीं तक ही घट प्रकाशित होगा, और जब तक दीपक है तभी तक होगा। जहां दीपक का प्रकाश नहीं है वहां पर वो नहीं होगा। ये अभिव्यक्तिवाद के अंतर्गत व्यंजक जहां होता है वहीं पर ही अभिव्यक्ति होगी, दूसरी जगह नहीं होगी, ये नियम है। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 228 भाष्य की, 228 भाष्य की चौथी पंक्ति अंतिम से। आचार्य जी, जो अभाव है उसका अगर परिभाषा करें तो क्या, माने क्या होगा ये? माने परिभाषा यहाँ है अभाव विरोधी, विरोधी अभूतम भूतस्य, ये क्या अभाव की परिभाषा है? या ये अभाव को बता रहे हैं कि अभाव किसे कहते हैं, अभाव किसे कहते हैं? तो बोले अभाव कौन होता है? विरोधी। किसका विरोधी? अभाव क्या है? अभूतम भूतस्य, जो नहीं है, अविद्यमान है, वो विद्यमान का विरोधी होता है। अभाव जो होता है वो विद्यमान का विरोधी होता है, विपरीत होता है, ठीक है। बस इतना कहा। अब प्रमाण को बताएं, ये तो इन्होंने अभाव शब्द को कहा। अविद्यमानं वर्ष कर्म विद्यमानस्य वायुपप्र संयोगस्य प्रतिपादकम्। अब ये प्रमाण के रूप में आ गया कि अविद्यमान जो वर्ष कर्म है, अविद्यमान जो वर्ष कर्म है, अब यहां पर विद्यमान वायुपप्र संयोग का प्रतिपादक होगा,
जनाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि विधार के ही वायु पर संयोग गुरुत्वाद अपाम पतनम पतन कर्म न भावती, इसके पीछे का कारण बता दिया। अगर हम ऐसा ये कहें कि अगर भाव से ही अभाव का अभाव को हम जानते हैं तो... हाँ, अभाव कह रहे हैं तो किस चीज का अभाव है? कुछ ना कुछ तो भाव हमारे मन में है। भाव, अभाव शब्द ही ये बता रहा है ना, भाव का ना होना। तो भाव किसका? जिसका भी भाव होगा, जिस भी जो भी हमारे मन में होगा उसका भाव, और उस भाव का न होना ये अभाव है। ये अभाव शब्द को की व्याख्या हुई। अभाव क्या होता है? वो विरोधी होता है। किसका विरोधी होता है? भाव का। भाव का विरोधी होता है, ठीक है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं अभाव का विरोधी भाव है, लेकिन वास्तव में भाव का विरोधी अभाव होता है। भाव का विरोधी अभाव होता है, क्योंकि भाव तो है ही, उसके विपरीत जो जाएगा वो अभाव। शब्द में भी जैसे भाव और भाव के पहले अ लगाया हमने, निषेध किया, विरोध किया, तो उसको अभाव कहते हैं, ठीक है। जी, जिस चीज का अभाव होता है उसी के भाव को तो हम अभाव से जान सकते हैं। जिस चीज का अभाव होता है उसी के भाव को हम अभाव से जान सकते हैं। उसी के भाव को, अच्छा, उदाहरण जैसा हमने ये पीछे रंगों वाले वस्त्रों के उदाहरण में देखा था कि एक वस्त्र में रंग का अभाव है तो जहां दूसरी जगह रंग का भाव है उसको हमने जान लिया, उसकी अपेक्षा से हमने जाना कि यहां अभाव है। फिर से आपका वाक्य बोलिए। जिस चीज का अभाव है उससे हम उसी भाव को जानते हैं, ठीक है, अभाव से भाव को जानते हैं। अब इसके लिए जो आपने उदाहरण दिया, बिना रंगा हुआ कपड़ा, ये अभाव है, और इससे हम किसको जानते हैं? वस्त्र के अंदर रंगों के भाव को। वस्त्र के अंदर रंगों के भाव को उससे तो नहीं जानते। वस्त्र में जो रंगों का भाव है वो तो हम सीधे जान रहे हैं। इन्होंने जो उदाहरण दिया कि पहचान के लिए, ये बताना था कि अभाव से भी हम पहचान सकते हैं, अभाव भी लक्षण हो सकता है, उसके लिए उदाहरण दिया। वहां ये उदाहरण नहीं है कि अभाव से हम भाव को जान रहे हैं, अभाव से उसी के भाव को जानते हैं, इसका उदाहरण देना था। तो सफेद कपड़ा है, यानी रंगहीन है, यूं कहिए आप, वैसे तो सफेद भी एक रंग है लेकिन उसको रंगहीन मान करके कथन कर रहे हैं। तो रंग के ना होने से हम अन्य कपड़े रंगे हुए ये तो जान नहीं होता है। तो अभाव से उसी वस्तु के भाव का ज्ञान होता है, ये जो आपका वचन है उसका इस उदाहरण से तालमेल नहीं बैठ रहा है। यहां पर इसको अगर विपरीत दिशा से देखें, जो रंगीन वस्त्र हैं वहां रंगहीनता का अभाव है, वहां रंगहीनता का अभाव है, उस अभाव से यहां रंगहीनता विद्यमान है सफेद वस्त्र में, इसका ज्ञान होता है। उसको गौरव में कह सकते हैं, रंगहीनता का अभाव है, अभाव का अभाव है, उस रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे क्या है, हम इस तरह से देखते नहीं है, वैसे बहुत कम ऐसा होता है। तो रंग है और रंग का, यहां रंग है तो वहां रंग नहीं है, बस। भाव होता है तो भाव का विरोधी अभाव होता है, उसको हम जानते हैं। जिस समय हम ये कहते हैं कि ये कपड़ा बिना रंग का है, तो उस समय में रंग पहले हमारे ज्ञान में, अनुभव में होता है कि रंग ये है, और उसको, उसके अभाव को यहां पर बताया जा रहा है, उसका ना होना कहा जा रहा है। अब उसको विपरीत करके भी हम कभी देख सकते हैं कि भाई ये बिना रंग का है और इसमें रंगहीनता का अभाव है दूसरे के अंदर। इस प्रकार से देखने पर तो जो, चूंकि रंग हमारे मन में पहले है अर्थात कोई भाव है, तो उसी से हम अभाव को जान पा रहे हैं, ये सिद्धि होगी। भाव से अभाव को जान पाते हैं, सामान्यतया उसको लक्षित कर पाते हैं, लेकिन यह अभाव प्रमाण में, अभाव प्रमाण में हम अभाव के द्वारा भी किसी को जान सकते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था कि अभाव से तो किसी प्रमेय का ज्ञान होता नहीं है, उसके उदाहरण के रूप में सिद्धांति ने यह रखा कि अभाव के द्वारा भी हम प्रमेय का ज्ञान कर सकते हैं, और बहुत प्रमेयों का ज्ञान कर सकते हैं।
यहाँ पर यही तो उदाहरण से हमने देखा कि यहाँ रंगों का अभाव है तो इससे रंगीन वस्त्रों को जानते हैं या नहीं, रंगों नहीं, का रंगीन वस्त्रों को नहीं जानते, रंगहीन वस्त्रों को भी जानते हैं। रंग का अभाव है इससे हम उस रंग से रहित वस्त्र को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं उसी वस्त्र को, रंगहीन वस्त्र को ही पहचान रहे। बहुत सारे वस्त्रों में से रंगहीन वस्त्र है सापेक्ष, लेकिन फिर भी हम सीधे उसी को पहचान रहे हैं, उससे अन्य कपड़ों को नहीं पहचान रहे। अन्य कपड़ों को रंग वाले हैं, उनको रंग वाले होने से रंग वाला पहचान रहे हैं, ये तो भाव से भाव को सीधा पहचान रहे हैं कि रंगों का भाव है, उससे हम कपड़ों को पहचान रहे हैं। बात ये दिखानी थी सिद्धांती को कि अभाव से हम किसी प्रमेय को कैसे जानते हैं, तो रंगों के अभाव से हम एक वस्त्र को जो कि भाव है, प्रमेय है, उसको जानते हैं। यहाँ रंगहीनता रंगों की अपेक्षा कैसे रखते हुए होगी, तो दोनों ही स्वतंत्र रूप से हम जान रहे हैं, प्रत्यक्ष से रंग को रंग से जान रहे हैं और रंगहीनता को रंगहीनता से प्रत्यक्ष नहीं, जान नहीं, रहे हैं। रंगहीनता को रंगहीनता से नहीं जानते, क्योंकि रंगहीन शब्द जब हम बोल रहे हैं तो रंग कुछ है वो पहले से हमारे मन में आ रहा है, रंग कुछ और है वो हम जान रहे हैं। और वहां जब बहुत सारे कपड़े पड़े तो उसमें पता है कि ये रंग वाले कपड़े हैं, और जो रंग वाला नहीं है उसको, जैसे हम कहते हैं कि इतने सारे कपड़ों में वो लाल कपड़ा है उसको लेके आओ, वो हरा कपड़ा है उसको लेकर के आओ, ऐसे जब हम कर रहे हैं, जैसे भाव रूप में चिन्ह को लेते हुए हम प्रमेय का ज्ञान करते हैं, ऐसे अभाव रूप में लेते हुए भी प्रमेय का ज्ञान करते हैं। बस इतनी बात है। यहां परस्पर अपेक्षा की आवश्यकता ही क्या है? बिना अपेक्षा के वहां हो या वैसे हमारे मस्तिष्क में हो, अपेक्षा तो होगी, क्योंकि जब हम रंगहीन कह रहे हैं तो रंग तो पहले शब्द कुछ ना कुछ आएगा ही। अब हम क्योंकि हमारी वाक्य रचना ही ऐसी, हम कहने वाला अभिव्यक्ति ही ऐसी कर रहा है, या तो वो कह देगा कि सफेद कपड़े को लाओ, अब ये अभावात्मक नहीं है, वो सफेद को भी एक भाव मान करके कथन कर रहा है। लेकिन यहां इन्होंने कथन कैसे किया, अभाव के रूप में, बिना बाल वालों को लेके आओ, ठीक है, अभी क्या दाढ़ी वालों का लेके आओ, क्योंकि बिना दाढ़ी वालों का, अब अधिकतर दाढ़ी वाले हो तो बोले बिना दाढ़ी वाले को लेके आओ। अब बिना दाढ़ी वाले को ये जब हम कथन कर रहे हैं तो अभाव के द्वारा हम संकेतित कर रहे हैं, बस ऐसे प्रमेय का ज्ञान हो रहा है। बिना सफेद कपड़े वाले को लाओ, बिना चश्मे वाले को लाओ, जो बैठा हुआ नहीं है उसको लाओ, बाकी सब बैठे हुए हैं किसको बोलो उसको लाना, वो जो बैठे हुए नहीं है ना उसको लाओ। अब बैठे हुए रहने का अभाव दिखा करके, अब दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं जो खड़े हैं उनको लेके आओ, लेकिन अभाव कथन करते हुए भी, और जब जब हम अभाव का कथन करेंगे तो किसी भाव का ही तो अभाव दिखाएंगे, चाहे बैठे रहने का अभाव दिखाओ, चाहे दाढ़ी का दिखाओ, चाहे तो चश्मे का दिखाओ, किसी का भी दिखाओ। तो इसलिए वो सिद्धांती कहना चाहता है कि अभाव के द्वारा भी हम बहुत से प्रमेयों का ज्ञान करते हैं। तो इससे सीधा सीधा तो ऐसा लग रहा है कि अभाव प्रमाण से किसी की सिद्धि नहीं हो रही, वास्तव में तो भाव ही प्रमाण है, उससे अभाव का ज्ञान होता है और तब हम अभाव का कथन करते हुए किसी की सिद्धि करते हैं, तो सिद्धि तो भाव से ही हो रही है। भाव की सहायता लेकर के अभाव से सिद्धि हो रही है, भाव से सीधे सीधे सिद्धि नहीं होती। अब जैसे प्रत्यक्ष से अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान करते हैं, तो कहेंगे कि नहीं इसमें भी प्रत्यक्ष से ही ज्ञान हो रहा है, अनुमान से थोड़ा ना हो रहा है। नहीं, ज्ञान तो अनुमान से ही हो रहा है, हां प्रत्यक्ष की अपेक्षा से, प्रत्यक्ष की सहायता से हम अनुमान कर पाते हैं, लेकिन ज्ञान किससे हो रहा है, अनुमान से ही हो रहा है। ऐसे ही यहां पर यद्यपि भाव की सहायता से हम ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे भाव से ज्ञान नहीं कर रहे हैं, भाव की सहायता है लेकिन हम अभाव से ही जान रहे हैं उसको, ज्ञान तो अभाव से ही रहे हैं, सहायक है भाव, सापेक्ष है वो, इन्होंने स्वीकार किया ही है, सापेक्ष ही होता है वो अभाव। अर्थापत्ति में और अभाव में जो एक मुख्य अंतर समझ में आ रहा है वो ये कि अर्थापत्ति से उसी पदार्थ के होने और न होने का ज्ञान होता है, जैसे बादलों के न होने पर वृष्टि नहीं होती अर्थात बादलों के होने पर होती है, ठीक उससे विपरीत। लेकिन अभाव प्रमाण में जिस चीज का ज्ञान होता है उससे किसी भिन्न चीज का ज्ञान होता है, जैसे इन्होंने यहां पर कहा था कि वर्षा कर्म नहीं है इसका मतलब वायु और अभ्र का संयोग है, विधारक संयोग है, उसका ज्ञान होता है। अभाव से वहां किसी और जगह भाव का ज्ञान होता है, लेकिन जैसे यहां इन्होंने बिना रंगा हुआ कपड़ा, इस अभाव से हम वहीं सामने जो चीज है उसी का विद्यमान का ज्ञान कर रहे हैं। अर्थापत्ति शाब्दिक दृष्टि से है,
अर्थापत्ति अभाव ठीक है, यहां यूं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ही ज्ञान हो रहा है, तो उस दृष्टि से तो दोनों अनुमान में जा रहे हैं, लेकिन इसमें अभाव की प्रमुखता है। अर्थापत्ति में अभाव हो यह आवश्यक नहीं है, अर्थापत्ति तो कोई भी किसी भी तरह का वाक्य हो उससे जो अर्थ आ रहा है उस अर्थ से और जो तात्पर्य हम ले लेते हैं वो अर्थापत्ति है, कोई भी हो वो। और यहां अभाव के द्वारा कुछ ना कुछ हम जान रहे हैं, चाहे किसी का होना जान रहे हैं और किसी का ना होना भी जान सकते हैं, ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा, ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें स्पर्श नहीं है तो रूप भी नहीं होगा, ऐसा कहीं एक के ना होने से दूसरे का ना होना ये भी हम अभाव के द्वारा ही जान रहे होते हैं, और एक के ना होने से दूसरे का होना विरोधी का, यदि विरोधी है तो होना जानेंगे और अगर अविरोधी है तो ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा, ये भी हम अभाव से जान सकते हैं। ये तो अर्थापत्ति से भी ऐसे ही जानते थे, बादल के ना होने पर वृष्टि नहीं होती, जिससे ये वाक्य से, यहां वाक्य से हम जान रहे हैं, वाक्य से हम जान रहे हैं कि बादल नहीं है तो वृष्टि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है बादल के होने से वृष्टि होती है। ठीक, तो आगे का देखते हैं। तो प्रसंग है कि शब्द नित्य है या अनित्य है। 13वें सूत्र में सिद्धांती ने तीन हेतु दिए, शब्द अनित्य है, एक तो आदिमत्वात् कारण वाला होने से, इंद्रियकत्वात् यानी इंद्रिय से जाना जाने योग्य इसका स्थूल अर्थ है, लेकिन इंद्रिय की प्रत्यासक्ति से जाना जाता है ये इसका सही अर्थ है, और कृतक के समान अनित्य के समान इसका व्यवहार देखे जाने से, ये तीन बातें कही थी। और इसके प्रसंग में इंद्रियकत्वात् की व्याख्या करते हुए दो पक्ष रखे थे, उसमें पूर्व पक्षी का जो मत था कि अयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत्, तो व्यंजकेन समान देशे, इसमें जो व्यंजक के समान देश वाली बात थी उसके लिए तो ये 239वें पृष्ठ पर नीचे वाला जो अनुच्छेद है उसका इन्होंने उल्लेख किया था, क्या संयोग निवृत्तो शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्, ये जो ऊपर था किमयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते, इसमें जो समान देश से संबंधित बात थी वो इस वार्तिक से और इसके आगे की व्याख्या में हमने कल देखी। अब इसमें दूसरी बात थी अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त होता है, इसको लेकर के यहां पर आगे कहा जा रहा है। पृष्ठ संख्या 241 पर जो दूसरा अनुच्छेद है, यहां से हमारा नया पाठ प्रारंभ होगा, लेकिन इसको वहां से जोड़ करके हमें देखना है। क्या कहता है सिद्धांती, अभिभव अनुपपत्तिश्च, अभिभव की असिद्धि होती है, समान देश में व्यंजक होता है एक बात और अभिभव होता है, उस अभिभव का सिद्धांती खंडन कर रहा है कि अभिभव की अनुपपत्ति होती है, अभिभव की अनुपपत्ति होने लगेगी, हाँ ऐसे कीजिए अनिष्ट है कि अभिभव की अनुपपत्ति होने लगेगी, अभिभव तो होता है, अभिभव तो होता है, अभिव्यज्यते अलग है, यहां दूसरी बात कही जा रही है अभिभव की अनुपपत्ति होने से, यह अनिष्ट को बताया जा रहा है, अभिभव की उत्पत्ति होती है, पीछे सिद्धांति ने सिद्ध किया है कि अभिभव तो होता है, प्रत्यक्ष है हमारे को, कब होगी अभिभव की अनुपपत्ति, व्यंजक समान देश से अभिव्यक्त, व्यंजक के समान देश में यदि अभिव्यक्ति मानोगे तो, ये अंश वहां से लीजिए पीछे से, वहां उसने यही कहा था ना व्यंजक के समान देश में अभिव्यक्ति होती है, तो कह रहे हैं व्यंजक समान देश अभिव्यक्त, व्यंजक के समान देश में अभिव्यक्ति हो तो, यहां पर समान देशस्य में पाठभेद मिलता है, समान देशस्थस्य अभिव्यक्त, व्यंजक के समान देश में जो स्थित है उसकी अभिव्यक्ति, यानी शब्द व्यंजक के समान देश में जो स्थित है ऐसे शब्द की अभिव्यक्ति होने पर, यदि ऐसा आप मानो तो अभिभव की अनुपपत्ति होगी, अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती, यदि आप व्यंजक के समान देश में अभिव्यक्ति मानो तो, सिद्धांती अभिव्यक्ति को मानता नहीं है, वो उत्पत्ति को मानता है,
लेकिन इसके खंडन के लिए अभ्युपगम से कह रहा है यदि समान देश में अभिव्यक्ति मानो तो तब तो अभिभव हो ही नहीं सकता। जबकि अभिभव होता है, अभिभव नहीं हो सकता, यह अनिष्ट का दर्शन किया जा रहा है, दोष बताया जा रहा है कि फिर तो अभिभव होगा ही नहीं। तो क्यों नहीं होगा अभिभव? व्यंजक के समान देश में अभिव्यक्ति यदि हो तो अभिभव क्यों नहीं होगा? तो उसका हेतु दिया जा रहा है प्राप्ति अभावात्, प्राप्ति का संयोग का अभाव होने से। भेरी शब्द कहां पर मिलेगा, कहां मिलना चाहिए अभिव्यक्तिवाद में? समान देश में अभिव्यक्त होता है तो भेरी शब्द कहां मिलना चाहिए? भेरी के पास। और तंत्री शब्द कहां होना चाहिए? तंत्री के पास, क्योंकि तंत्री शब्द का अभिव्यंजक तंत्री है, भेरी शब्द का व्यंजक अभिव्यंजक भेरी है। और यदि ये शब्द समान देश में ही रहते हैं, अभिव्यंजक के समान देश में ही रहते हैं, तो ये एक जगह तो आएंगे नहीं। अभिभव के लिए तो एक देश तो होना चाहिए ना, भाई वो आके उससे टकराए, उसको दबाए, अभिभव करे, तो उसके लिए संयोग तो होना चाहिए, एक देश में तो आने चाहिए। वो पहलवान उधर है, वो पहलवान उधर है, दोनों अपने अपने घर में बैठे हैं, अखाड़े में तो आए नहीं है, तो कैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित कर सकता है या हरा सकता है? संभव है क्या? उसके लिए एक जगह तो आना जरूरी है। तो यदि शब्द व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त होता है फिर तो अभिभव होना ही नहीं चाहिए, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। अभिभव के लिए संयोग जरूरी है, प्राप्ति जरूरी है, वो हो नहीं रही है तो कैसे होगा? ठीक है, वो उसको मार रहा है तो मारेगा तो तब जो वो वहां जाएगा, बोले मैं उसके पास ही नहीं जाऊंगा, मैं तो दूर रहूंगा, कहीं और चला जाऊंगा तो कैसे मारेगा मेरे? तो अभिभव के लिए मारने के लिए वो पास में होना जरूरी है। तो इसे कहा कि आपके पक्ष में तो अभिभव ही नहीं बन सकता है। आगे बात समझ में, अभिभव अनुपपत्तिश्च, ये अनिष्ट आएगा कब? व्यंजक समान देशस्थस्य अभिव्यक्त, व्यंजक के समान देश में यदि अभिव्यक्ति मानेंगे तो। क्यों? प्राप्ति अभावात, उसका अधिकरण समान नहीं होगा, अधिकरण का भेद है संयोग का अभाव होने से। खोल रहे हैं इसी को, व्यंजक समान देशो अभिव्यज्यते शब्द इत्येतस्मिन् पक्षे नोपपद्यते अभिभाव, व्यंजक के समान देश में शब्द अभिव्यक्त होता है इस पक्ष में, इस पक्ष को माने तो न उपपद्यते अभिभाव, अभिभाव फिर सिद्धि नहीं होगा, कभी अभिभाव होना ही नहीं चाहिए। क्यों? न ही भेरी शब्दे न तंत्री स्वन प्राप्त इति, क्योंकि इस पक्ष में अभिभाव और व्यंजक के समान देश में रहने वाले पक्ष में तो भेरी शब्द के द्वारा तंत्री स्वन, तंत्री का जो शब्द है उसका कभी संयोग ही नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे, दूर दूर हैं दोनों यंत्र, दूर दूर हैं तो अभिभाव नहीं होना चाहिए। तब भी हम देखते हैं कि भेरी वहां है, तंत्री यहां है, और दोनों बज रहे हैं तो तंत्री का अभिभव हो रहा है, भिन्न भिन्न स्थानों में होते हुए भी अभिभव हो रहा है। हो गया। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी ये कहे कि अभिभव के लिए प्राप्ति की जरूरत नहीं है, सिद्धांती अभिभव को क्यों मना कर रहा है कि आपके पक्ष में तो अभिभव नहीं होगा क्योंकि प्राप्ति नहीं होगी, सब अपने अपने देश में रहेंगे। तो इसमें पूर्व पक्षी कहे अप्राप्ते अभिभवे इति चेत, इसमें आ लिखा हुआ है, आ की मात्रा हट काट दीजिए, अभाव अप्राप्ते अभिभवे इति चेत, अभिभव नहीं, अप्राप्ते अभिभव इति चेत, अप्राप्त होने पर भी अभिभव हो जाएगा ऐसा यदि पूर्व पक्षी के, बोले प्राप्ति की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने व्यंजक समान देश में हैं फिर भी एक दूसरे का अभिभव करते हैं, बोले यदि आप ऐसा कहो तो, है नहीं ऐसा और न सिद्धांति मान रहा है, यह अभिभगम से कह रहा है, यदि ऐसा कहो भी तो क्या दोष आएगा? शब्द मात्रा अभिभव प्रसंग, फिर तो हर शब्द के अभिभव का प्रसंग आ जाएगा, बिना प्राप्ति के ही यदि अभिभव हो रहा है तो यहां जो भेरी शब्द बजाए ये किसके शब्द का अभिभव करेगा? चाहिए निकट वाले तंत्री शब्द का या तो दूर वाले तंत्री शब्द का, क्योंकि बिना प्राप्त हुए अभिभव कर देता है वो, तो जैसे इसको बिना प्राप्त हुए अभिभव कर देता है तो ऐसा दूरस्थ यहां का नगाड़ा जापान या अमेरिका के नगाड़े के तंत्री शब्द का भी अभिभव कर देगा,
क्योंकि बिना प्राप्त हुए विभव कर रहा है, अगर आप ये मानो तो, फिर तो दुनिया भर के सबका विभव कर देगा, पर वो होता नहीं है। इसका मतलब है बिना प्राप्त हुए अभिभव नहीं करता। अभिभव कहाँ कहाँ होता है, जहां जहां प्राप्त करता है वहीं वहीं पर अभिभव करता है। तो अगर पूर्व पक्षी की बात मानी जाए, अप्राप्ते अभिभव इति चेत, यदि बिना प्राप्त हुए भी अभिभव होता है तब तो शब्द मात्रा अभिभव प्रसंग, हर शब्द के अभिभव का दोष प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। इसी को खोल रहे हैं, अथ मन्येत असत्याम प्राप्त अभिभव भवति। अगर पूर्व पक्षी ये माने कि बिना प्राप्त हुए भी अभिभव हो जाता है, तो एवं सति यथा भेरी शब्द, ऐसा अगर माना जाए तब तो जिस प्रकार से भेरी शब्द कंचित तंत्री स्वनम अभिभवती, किसी तंत्री शब्द का अभिभव करता है, किसी का मतलब है निकटस्थ, जो सामान्यतः हम देखते हैं पास वाले का अभिभव करता है, जैसे उसका अभिभव करता है, एवं अंतिकस्य उपादानम इव, तो जिस प्रकार से अंतिक यानी निकट के उपादान के समान, निकट में स्थित जो है उसके समान दवीयस्थोपादानान अपि, दवीय 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 कहते हैं दूर, बड़ा दूर स्थित के ग्रह के का जो उपादान है उनके शब्दों का भी, तंत्री स्वनान तंत्री के शब्दों का भी अभिभवेत, वो अभिभव करते हुए, क्यों अप्राप्ते है अविशेषात, क्योंकि अप्राप्ति रूप जो है वो तो दोनों ही जगह समान है, चाहे निकट का हो चाहे दूर का हो, दोनों ही आपके मत में तो अप्राप्त है, तो बिना प्राप्त हुए ही अगर वो अभिभव कर देता है तो निकट और दूर की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। निकट और दूर की बाधा तो तब हो सकती है, निकट में अभिभव करे दूर में अभिभव न करे, ये कब हो सकता है, जब प्राप्ति पूर्वक अभिभव कर रहा हो, कि निकट में प्राप्त हो रहा है दूर में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वहां अभिभव नहीं कर रहा है, वहां तो संगति है युक्ति है, इसमें तो संगति नहीं लगेगी। आगे तत्र क्वचिदेव भेर्याम प्रणादितायाम सर्वलोकेशु समान कालस तंत्री स्वना न श्रूयरन, तो अगर ऐसा माना जाए आपका मत, तो क्वचिदेव भेरियाम प्रणादितायाम, कहीं पर ही कोई भेरी एक बच जाए पूरी धरती पर कहीं भी, और धरती ही क्यों, सब लोक लोकांतरों का भी लगा लो ना उसमें, तो कहीं पर एक भेरी बच गई तो सर्वलोकेशु, सब लोकों में, इस धरती लोक में ही नहीं सब लोकों में, सर्वलोकेशु समान कालस तंत्री स्वना, उसी काल में होने वाले जितने भी तंत्री के शब्द हैं न शुयरन, फिर तो सुनाई नहीं देने चाहिए थे, पर ऐसा होता नहीं है। तो नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु, लेकिन यदि ये माना जाए कि शब्द का अनेक प्रकार के शब्दों के संतान के होने पर, अनेक प्रकार से शब्दों का संतान होता है, ये शब्दों का संतान पक्ष का है, सिद्धांति का पक्ष है, कि शब्द उत्पन्न होता है अपने व्यंजक से, उत्पन्न शब्द फिर अन्य शब्दों को उत्पन्न करता है, ऐसे शब्द का संतान क्रम लगातार विस्तार चलता चला जाता है, उसको जब मानेंगे तो नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु श्रोत्र प्रत्यासक्ति भावेना, श्रोत्र के पास में निकट आने के कारण से, श्रोत्र के पास में भेरी का शब्द भी पहुंच रहा है और तंत्री का शब्द भी पहुंच रहा है, तो श्रोत्र प्रत्यासक्ति भावेना कस्यचित शब्दस्य तीव्रेण मंदस्य अभिभवो युक्त है, कस्यचित शब्दस्य कस्यचित मंदस्य शब्दस्य तीव्रेण अभिभवो युक्त, तो उसमें फिर संगत है कि किसी मंद स्वर का, मंद शब्द का तीव्र शब्द से अभिभव हो जाए। अब उसमें पूछ रहे हैं कह पुनः अयम अभिभवो नामा, ये अभिभव कहते किसको है, ये जो आप अभिभव अभिभव बोल रहे हो अभिभव कहते किसको, और अभिभव होता किससे है, वो भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर दिया ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव। पहले तो अंतिम बात देखिए, अग्रहणम अभिभव, उसका ज्ञान न होना यह अभिभव कहलाता है, तंत्री का ज्ञान नहीं हो रहा है तो यह उसका अभिभव कहलाएगा अग्रहणम अभिभव, लेकिन वह अभिभव कैसा होगा, ग्रहण कृतम अग्रहणम, किसी अन्य के ग्रहण करने से जब अग्रहण होता है उसको अभिभव कहते हैं, किसी अन्य के ग्रहण से ग्रहण कृत, ग्रहण से होने वाला जो अग्रहण है, किसी के ज्ञान से होने वाला जो दूसरे का अज्ञान है, जिसी किसी के सुनने से जो दूसरे का न सुनना है, इसको अभिभव कहते हैं, तो अग्रहणम अभिभव ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव,
लेकिन वो ग्रहण कैसा होता है, तो उसके लिए कहा ग्राह्य समान जातीय, तो ग्रहण करने योग्य है उसके समान जातीय ग्रहण से जब अग्रहण होता है। जैसे कि ग्राह्य मतलब तो तंत्रिका स्वन, तंत्रिका शब्द ग्राह्य है, हम ग्रहण कर सकते हैं। किससे ग्रहण करते हैं? श्रोत्र से ग्रहण करते हैं। श्रोत्र से ग्रहण करना यह समान जातीयता है, और भेरी से उत्पन्न होने वाला शब्द भी श्रोत्र से ही गृहित होता है, तो यह उसकी समान जातीयता होगी। तो ग्राह्य के समान जातीय, तंत्री का शब्द जो हमारे को ग्रहण होता है उसके समान जातीय, यानी श्रोत्र से ही जो गृहित होने वाला है उसके ग्रहण से जो अग्रहण हो रहा है तंत्री का, उसको ऐसे अग्रहण को अभिभाव कहते हैं। असमान जातीय वाला नहीं कहलाएगा। असमान जातीय कि शब्द तंत्रिका आया और तीव्र प्रकाश नेत्र में आया, अब ये समान जातीय नहीं है। प्रकाश को हम नेत्र से देखते हैं, शब्द को हम श्रोत्र से सुनते हैं, और ऐसे में यदि हमारा मन श्रोत्र की तरफ नेत्र की तरफ चला गया और बन चुकी यहां तीव्रता से लग गया, इसलिए वो शब्द होते हुए भी हमें सुनाई नहीं दिया, दबा नहीं है वो शब्द, अभिभव नहीं हुआ है। अभिभव कहां होता है? समान जातीय में अभिभव को स्वीकार करते हैं। असमान जातीय से जब हमारे को अग्रहण होगा उसको अभिभव नहीं कहेंगे। हम कमरे में बैठे हैं, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, और उतने में हमारे को किसी चीते ने काट लिया एकदम से, और हमारा मन ध्यान वहां पर चला गया। अब हमारे को घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं दे रही है। अब ये जो अग्रहण है ये असमान जातीय के ग्रहण से हो रहा है, इसको अभिभव नहीं कहना चाह रही है। अभिभव मतलब समान जातीय ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार बोले जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो पिजन है उसको फिर कई तरह से चीजें करते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक्यूपंचर भी करते हैं। तो एक्यूप्रेशर से लाभ होता है नहीं होता है वो एक विचारणीय बात रहती है। तो कई जने कहते हैं कि सिर में दर्द हो रहा था और दूसरी इतनी जगह दबाया, कभी यहां दबाएगा और यहां इतना जोर से दबाए, ओहो बोले प्रेशर पॉइंट है, सोर हो गया है, नाजुक हो गया है, वहां इतना दबाएंगे, यहां दबाएंगे, वहां दबाएंगे, वहां दबाएंगे, इतना तेज तेज उसका मन वहां चला जाएगा। वो सिर का दर्द तो भूल जाएगा वो। यहां पर एक व्यक्ति है कचहरी कोतवाली थाने के पास में, वहां पर कपड़ों की दुकान है, तो वृद्ध है, वो वहां बैठते हैं, वो इलाज करते रहते हैं। बोले मैं सिर दर्द को ऐसे ठीक करता हूं। तो कैसे करते थे वो? कैसे करते? सिर में भारीपन हो, ये हो, बिल्कुल। बोले अभी हो रहा है सिर में दर्द, देखो कैसा हो रहा है। हाँ हो रहा है। वो क्या करते थे, यहां पकड़ करके और इतनी जोर से खींचते थे, यहां इतना दबा के और खींचते। अब दबा करके खींचा, खूब थोड़ा सा करके किया, तो वो तो यहीं सारा केंद्रित हो गया व्यक्ति। अब वो हटाते हैं, अच्छा आप बताओ सिर में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? अब उसको तो ये इस प्रमुखता से हो रहा है, अब उधर तो ध्यान नहीं जाएगा। तब ये क्या हो गया? ये अभिभव हो गया, क्योंकि ये जो दर्द हो रहा है ये स्पर्श इंद्रिय से हो रहा है। हमारे को बड़ा दुख आ जाता है तो छोटे दुख का पता भी नहीं लगता है, बड़ा सुख आता है आ जाता है तो छोटा सुख हमें पता भी नहीं लगता है। कोई तीव्र संवेदना आ गई तो उसी इंद्रिय की मंद संवेदना हमारे को पता नहीं लगेगी, सब जगह ये कटता है। ये अभिभव कहलाता है। असमान जातीय में नहीं कहना चाहते। तो इन्होंने अभिभव का क्या लक्षण दिया? तो इन्होंने पूछा कह पुनरायम अभिभव नाम, तो ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव। पंक्ति को कैसे समझेंगे? अग्रहणम अभिभव, ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव। और कौन सा ग्रहण कृत? समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव। और किसके समान जातीय? ग्राह्य के समान जाती है।
वो जो चीज थी तंत्री का स्वंता वो ग्राह्य होना चाहिए, वो सुनाई नहीं देता हो हमारे को, फिर कहें कि ये बहुत तेज हो गई और वो सुनाई नहीं दे रहा, कोई मतलब ही नहीं है उसका, ग्राह्य तो होना चाहिए ना पहले। अब तारे जो हमारे को नहीं दिखते हैं दिन में, तो तारों को हम नेत्र से देखते हैं, तारे हमारे लिए ग्राह्य हैं, और उसी के समान जातीय प्रकाश सूर्य का है। तो तारों के ग्राह्य के समान जातीय जो ग्रहण है सूर्य का ग्रहण, उससे होने वाला जो अग्रहण है, किसका अग्रहण, तारों का, ये जो तारों का अग्रहण है इसको अभिभव कहेंगे। स्वयं इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं आगे, यथा उल्का प्रकाशस्य ग्रहणार्हस्य आदित्य प्रकाशेन इति। उल्का प्रकाश का, उल्कापात होता है, वो पिंड गिरते हैं रात को दिखते रहते हैं, दिन में दिखते हैं क्या, कोई बहुत ही तेज हो और हमारा ध्यान हो तो पता लग जाए, नहीं तो दिन में नहीं दिखते और रात को दिखते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं से गिरते हुए दिखते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां ज्यादा दिखाई देते हैं, कहीं कम दिखाई देते हैं। तो उल्का के प्रकाश का कैसा है, वो उल्का का प्रकाश ग्रहण अर्हस्य, ग्रहण के योग्य है, अर्ह है, ग्रहण किया जा सकता है, यानी ग्राह्य है उसका, किससे होगा, आदित्य के प्रकाश से होगा, वो भी समान जाती है, उसके ग्रहण से इसका अग्रहण होगा, इसे अभिभव कहते हैं। तो ये तो 13वां सूत्र हुआ, और 13वें सूत्र में सिद्धांती ने तीन हेतु दिए थे शब्द के अनित्यत्व के लिए। अब पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है। सिद्धांती ने कहा था आदिमत्वात, इंद्रियकत्वात और कृतकवद उपचाराच्य। तो पूर्व पक्षी कहता है 14वें सूत्र में न, ये आपका कथन ठीक नहीं है, न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, खंडन करेगा तीनों का। उसमें पहला है घटाभाव, अल्प विराम ले लीजिए, सामान्य नित्यत्वात्, फिर अल्प विराम ले लीजिए, नित्येषु अपि अनित्यवद उपचाराच्च। तीन चीजें कही यहां पर इसने, वो तीन बातें सिद्धांती ने कही थी, उन तीनों का क्रमशः तीन चीजों से इसने खंडन किया है यहां पर। तो पहला था आदिमत्वात, आदिमत्वात का क्या हेतु था कि जो आदि वाला होता है, कारण वाला होता है, वो अनित्य होता है। तो बोले कि नहीं देखो, मैं आदि वाली एक चीज बताता हूं जो कि नित्य है, कौन, घटाभाव, घड़े का अभाव। अब घड़े का अभाव आदि वाला है नहीं आदि वाला है ना, ये प्रारंभ हुआ ना उसका, और कारण की दृष्टि से देखो तो घड़े के अभाव का कारण क्या है, घड़े के जो अवयव हैं उनका बिखर जाना, वो कारण हो गया ना, कारण वाला है। घड़े के अवयवों का पृथक हो जाना ये कारण है घड़े के अभाव में, और घड़े के अभाव का अंत होता है या नहीं, उस घड़े के अभाव का अंत होगा कभी, कभी नहीं होगा, तो नित्य हो गया ना, नाश नहीं होगा उसका। तो जो आदि वाला होता है वो भी नित्य हो सकता है। तो आपने जो कही विचार दिखा दिया ना, विपरीत उदाहरण लिया है, खंडित हो गया, एक भी उदाहरण विपरीत दे दो तो ठीक है। इन्होंने घटाभाव क्या बोले, आप कितने भी उदाहरण ले लो, पटाभाव ले लो, मठाभाव ले लो किसी का भी अभाव ले लो, इस व्यक्ति का अभाव ले लो, उस व्यक्ति का अभाव ले लो, इस पेड़ का अभाव ले लो, इस नदी का अभाव ले लो, इस पत्थर का अभाव ले लो, कोई कमी है क्या उदाहरणों की, ये तो घटाभाव तो एक प्रतीक रूप में हो गया। किसी भी वस्तु का अभाव ले लो, अब तक दुनिया में जितने व्यक्ति हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, हम कोई संख्या नहीं कर सकते, असंख्य तो नहीं पर हाँ फिर भी हम संख्या नहीं कर सकते, आप खरबों कह लो और कह लो ज्यादा कह लो, उन सब का अभाव नित्य है या नहीं, आज तक उनका भाव नहीं हुआ है, और हम भी जिस दिन मर जाएंगे उसके बाद में फिर हमारा भी भाव नहीं होने वाला है, अभाव हो जाएगा ना हमारा, हम जो पिंड हैं अपना, हमारा अपना अपना जो नाम है, मृत्यु के बाद में हमारा क्या होने वाला है, अभाव हो जाएगा, और अभाव होकर के हम क्या बन जाएंगे, नित्य बन जाएंगे। अभाव किसका है, हमारा, और वो हमारा अभाव कैसा है, नित्य है, हमारा अभाव नित्य रहेगा। तो बोले जो आदि वाली चीजें होती हैं वो अनित्य होती, ऐसी बात नहीं है, आदि वाली चीजें नित्य होती हैं, जैसे कि घटाभाव, ऐसे खंडित कर दिया उसको। दूसरा,
सामान्य नित्यत्वात्, आपने कहा था कि जो नेत्र से गृहित होता है वह अनित्य होता है, बोले सामान्य, सामान्य का मतलब है जाति, गोत्र, गाय एक व्यक्ति और इस गाय में भी जो गोत्र है उस गाय में भी गोत्र है, जो सामान्य है यानी जाति, सामान्य मतलब जाति, बोले वो भी तो नेत्र से इंद्रियों से गृहित होती है, वो तो नित्य होती है नहीं, जाति को तो नित्य मानता है ना सिद्धांति भी, तो गोत्र जाति का ज्ञान किससे हुआ, गाय का जिस इंद्रिय से ज्ञान हुआ उसी इंद्रिय से उसकी जाति का भी ज्ञान हुआ नेत्र से, ऐसे ही सब इंद्रियों से, शब्द का ज्ञान श्रोतेंद्रिय से हुआ तो शब्दत्व का ज्ञान किससे हुआ, अभी श्रोतेंद्रिय से हुआ, जिस इंद्रिय से द्रव्य का ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से उसकी जाति का भी ज्ञान, सामान्य का भी ज्ञान होता है, और जाति या सामान्य है वो नित्य है, तो आपने कहा था कि इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है वो अनित्य होते हैं, देखो जो जाति है वो तो नित्य है तो इंद्रियों से ही जानी जाती है, तो ये भी खंडित हो गया आपका, विभिन्न दृष्टांत ला करके खंडित कर दिया। तो कहा सामान्य नित्यत्वात्, सामान्य के नित्य होने से, इंद्रिय ग्राह्य सामान्य के जाति के नित्य होने से आपकी आपकी बात ठीक नहीं है, इस आधार पर आप शब्द को अनित्य नहीं सिद्ध कर सकते, व्यभिचरित हो रहा है अनेकांति का ये दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या कही थी, कृतकवद उपचारात्, अनित्य वस्तुओं के समान व्यवहार होने से, उसके लिए पूर्व पक्षी कहता है नित्येषु अपि अनित्यवद उपचारात्, बोले नित्य वस्तुओं में भी अनित्य के समान व्यवहार तो हो जाता है, आप अनित्य के समान व्यवहार को देख करके वस्तु को अनित्य नहीं कह सकते, नित्य वस्तुओं में भी अनित्य के समान व्यवहार देखा जाता है, कैसे वो तो भाष्यकार बताएंगे तभी देख लेंगे, व्यभिचार कैसे कर रहा है इसका, खंडित कैसे कर रहा है, सिद्धांति ने कहा था जिस जिसका, सिद्धांति की व्याप्ति क्या बनेगी, कृतकवद उपचारात, जिस जिसका अनित्य वस्तुओं के समान व्यवहार होता है, जिस जिस में अनित्य वस्तुओं के समान व्यवहार देखा जाता है वह वस्तु अनित्य होती है, मंद तीव्रता वाली बात थी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनित्य के समान व्यवहार तो नित्य वस्तुओं में भी देखा जाता है, तो इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं कि अनित्य के समान व्यवहार होने से वो वस्तु अनित्य ही होगी, वो तो नित्य भी हो सकती है, व्यभिचरित हो रहा है, तो आपके तीनों हेतु खंडित हो गए। तो जो आप कह रहे थे कि इसके आधार पर शब्द अनित्य है तो ये तो अनित्यता तो सिद्ध नहीं हुई। अब देखिए इसी को सिद्धांत पूर्व पक्षी ने जो खोला है भाष्य में उसको देखिए, न खलु आदिमत्वाद अनित्य शब्द, सूत्र के एक भाव को न को लेके कहा, आदिमत्व को लेके, कि आदिमत्व के कारण से शब्द अनित्य है यह बात ठीक नहीं है, कस्मात, क्यों, व्यभिचारात, इसमें व्यभिचार है, कैसे, आदिमतः खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम, आदि वाला जो घट का अभाव है उसमें नित्यत्व देखा जाता है आदि वाला लेकिन नित्यत्व देखा जाता है उसमें, तो सिद्धांति पूछता है कथम आदिमान, ये आदि वाला कैसे है, कारण वाला कैसे है, तो बोले कारण विभागे व्यो ही घटो न भवती, कारण के विभाग से, घड़े का कारण क्या है, मिट्टी के कण उनका संयोग, तो कारण का जब विभाग हो जाता है, कारणों का संयोग व संयोग असमवाही कारण है, मिट्टी के कणों में संयोग होगा तो घड़ा बन रहा है, तो कारण मतलब मिट्टी के कणों का जब विभाग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे तो घटो न भवती, तो घड़ा नहीं होता है, तो कारण है ना, ये आदिमान है, तो कथम अस्य नित्यत्वम, सिद्धांति पूछ रहा है लेकिन इससे उसकी नित्यता कैसे हो गई, तो बोले यो सब कारण विभाग्यव्यो न भवती, अल्प विराम, जो यह है, यह का मतलब है घट, कारण के विभाग से अब नहीं रहता, नहीं है, न तस्य अभावो भावेन कदाचित निर्वर्त्यते इति, तो उसका जो ये अभाव है, उस घड़े का जो ये अभाव है वो घड़े के भाव से कभी भी नहीं हटेगा, इस घड़े का जो अभाव है वो घड़े के भाव से कभी भी नहीं हटेगा, क्योंकि वो घड़ा कभी उत्पन्न ही नहीं होगा, अरे उत्पन्न होगा तो वो नया घड़ा होगा, भिन्न घड़ा होगा, उस मिट्टी से अगर घड़ा हो भी जाए तो नया घड़ा होगा, वो घड़े वही घड़ा थोड़ा ना होगा, तो जिस घड़े का अभाव था वो अभाव उसी घड़े से कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, यानी वो घटाभाव सदा बना रहेगा, ये घटाभाव कब नष्ट हो सकता है, जब घड़े का भाव आ जाए, घटाभाव नष्ट कैसे होगा,
घड़े का भाव आएगा तो घटा भाव नष्ट हो सकता है, बोले घड़े का भाव होना नहीं कभी, इसलिए घटा भाव कभी नष्ट नहीं होगा, वो बना ही रहेगा, बना रहेगा तो नित्य है। तो न तस्य अभावो भावे न कदाचित निर्वर्तते इति, इसलिए आपका ये पहला हेतु खंडित हो गया। दूसरा, यद्यपि इंद्रिय तत्वादिति, दूसरा जो आपने कहा था इंद्रिय होने से, जिस जिसका इंद्रिय से ज्ञान होता है, तो बोले तदपि व्यभिचरति, वो भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। कैसे? देखिए, इंद्रियकम च सामान्यम नित्यम च इति, ये जो सामान्य है यानी जाति, वो इंद्रिय के इंद्रियों से जाना जाता है, और नित्यम च इति, और सामान्य नित्य है, जाति जो है वो नित्य है, इसलिए ये भी आपका खंडित हो गया। तीसरी बात, और जो आपने कहा था यद्यपि कृतकवत उपचार आदि थी, ये जो हेतु दिया था अनित्य के समान व्यवहार होने से, बोले एतदपि व्यभिचरति, ये भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। कैसे? बोले नित्येषु अनित्यवत उपचारो दृष्टः, दृष्टो अल्प विराम, नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार देखा जाता है। कैसे? वो उदाहरण दे रहे हैं, यथा ही भवति वृक्षस्य प्रदेशः कमलस्य प्रदेशः, बोले ये उदाहरण ले रहे हैं ये अनित्य के, वृक्ष अनित्य है, कंबल अनित्य है। तो बोले वृक्ष का एक प्रदेश, एक देश होता है, उसका एक भाग होता है टुकड़ा, कोई भी एक भाग है, ऐसे ही कंबल का भी एक भाग एक प्रदेश होता है, ये इसका कोना है, बीच का है, कोई सा भी एक भाग ले लो कंबल का, तो जैसे वृक्ष का प्रदेश होता है कंबल का प्रदेश होता है, तो ये जो प्रदेश का व्यवहार है ये किन में होता है? अनित्यों में होता है। तो बोले ऐसा ही एवं आकाशस्य प्रदेश आत्मना प्रदेश इति भवति, आत्मा और आकाश जो कि नित्य है उसके भी प्रदेश का व्यवहार होता है। हम कहते हैं ना आकाश का ये देश, आकाश तो नित्य है और इनकी दृष्टि से निरवयव है, आकाश नित्य है और निरवयव है, तो उसका कोई एक देश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और आत्मा भी, आत्मा ही नहीं परमात्मा, वो भी निरवयव है, उसका कोई एक देश हो सकता है क्या? व्यापक परमात्मा की दृष्टि से देखें कि हम कहेंगे परमात्मा के एक देश में हम उपस्थित हैं, बोले परमात्मा का एक देश होता ही नहीं है, बोले एक देश तो उनका होता है जो अनित्य चीजें होती हैं। जैसे पेड़ का एक देश, उसका एक देश क्या होता है? उसका जो अवयव होता है, अवयवों का एक भाग उसका एक देश कहलाता है, और जो नित्य चीजें हैं निरवयव हैं उनका कोई अवयव ही नहीं होता, अवयव ही नहीं होता तो उसका एक देश कैसे कहोगे आप? एक देश तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है। हम कहेंगे नहीं हम परमात्मा के एक देश में, ये पूरे पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के एक देश में चौथाई भाग में है और बाकी उसका अमृत भाग है। तो परमात्मा के एक देश में ये पृथ्वी है, परमात्मा के एक देश में हम हैं, ये जो एक देश का व्यवहार हो रहा है नित्य वस्तु में, ये अनित्य के समान व्यवहार हो रहा है। तो चूंकि अनित्य में एक देश का व्यवहार मुख्य होता है, अब आत्मा में परमात्मा में और आकाश में भी यदि एक देश का व्यवहार देखा जाए तो उस आधार पर फिर तो आपके मत के अनुसार तो ये भी अनित्य हो जाने चाहिए। चूंकि एक देश का व्यवहार अनित्य में वास्तविक है और अनित्यों में भी देखा जाता है, तो अनित्यों में नहीं नित्यों में भी देखा जाता है, इसे नित्यों में अनित्य के समान व्यवहार देखा जाता है, इससे वो नित्य वस्तु अनित्य नहीं हो जाती। ऐसे ही जो मृदु और तीव्र का व्यवहार अनित्यों में देखा जाता है वो शब्द में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये कोई नियम नहीं है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है आपका हेतु। ऐसे तीन तरह से खंडित करते हैं। एक देश वाली बात समझ में आई? हम कहें कि इसका एक देश, वस्त्र का एक देश, अब वस्त्र का एक देश हम कोई टुकड़ा उसका कोना कहें, एक देश का क्या मतलब हुआ? इसके जो अनेक अवयव हैं उन अवयवों में से यहां वाला अवयव कारण का एक देश, क्योंकि बहुत सारे कारणों से बहुत सारे तंतुओं से बना है उसका एक देश, मिट्टी का घड़ा उस मिट्टी के घड़े का एक देश एक छोटा भाग। तो जिस समय हम एक देश को कहते हैं तो उसके कारण उपादान कारण के कुछ अवयवों को कह रहे होते हैं। तो एक देश कहां घटित होता है? जहां अनित्य वस्तुएं होती हैं, नित्य वस्तुओं में नहीं घटेगा, क्योंकि नित्य वस्तु को ये निरवयव मानते हैं, अनित्य वस्तु सावयव होती है, अनेक वस्तुओं के मिलने से सही बनी हुई होती है तो वो सावयव होती है, और नित्य वस्तु निरवयव होती है। तो जब निरवयव है उसका कोई अवयव ही नहीं है तो उसका एक देश कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी इन नित्य वस्तुओं का एक देश कहा जाता है, जैसे आकाश का, आत्मा का, परमात्मा का। तो ये उदाहरण दिया कि अनित्य के तरह से नित्यों में भी व्यवहार देखा जाता है,
तो अनित्य की तरह से अनित्यों में भी व्यवहार देखा जाता है, अनित्य की तरह से नित्यों में भी व्यवहार देखा जाता है, तो कृतकवत उपचारात ही आपका व्यभिचारी हो गया, एकांतिक नहीं रहा, अनेकांतिक हो गया, अखंडित हो गया। इसलिए शब्द का जो आप शब्द को जो आप अनित्य सिद्ध कर रहे थे वो बात आपकी ठीक नहीं है। आगे देखें, अब इसका उत्तर सिद्धांत ही देगा, खंडन हो गया ना, कोई उत्तर सोचता है इसका? सिद्धांती ने जब कहा था तीन हेतु दिए थे तो हमारे को क्या लगा था कि हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल सिद्ध हो गया। पूर्व पक्षी जो खंडन कर रहा था वो हमें पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है, और पूर्व पक्षी ने जो हेतु दे दिए, अरे ये तो सारी बात खंडित हो गई, महल ही ठह गया जिसको हम सोच रहे थे कि सिद्ध है, ये तो असिद्ध हो गया। अभी लगता है कि इसका उत्तर क्या होगा, थोड़ा बहुत हम दिमाग भी लगा सकते हैं, सूझ भी सकता है, कोशिश करेंगे तो सूझ सकता है, इन्होंने सोच रखा है तो बता रहे, बोलना है उत्तर? हाँ बोलो। ओ, जो आत्मा ने लिया है, आत्मा ने, आपने तो परमेश्वर ले लिया है, हाँ। आत्मा जो हमारी आपकी जो आत्मा है वो एक देशी है, हाँ। तो वहां पर तो घटेगा ना? नहीं वहां नहीं घटेगा, वहां पर भी नहीं घटेगा। देखो किसी वस्तु का एक देश, जो जीवात्मा है वो एक देश में है, ये एक अलग बात है, एक देश में मतलब परिच्छिन्न है, लेकिन आत्मा जितनी भी है, आत्मा जितनी भी है बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसका भी दायां बायां ऊपर नीचे तो होगा ना, बीच का भाग होगा या नहीं होगा, उसके भी देश होंगे या नहीं? भाई आत्मा का मन से सन्निकर्ष हुआ, उससे ज्ञान हो रहा है, तो मन का सन्निकर्ष आत्मा से किस जगह पे होगा? आत्मा के, ये तो हमने देखा नहीं, नहीं स्वीकार नहीं, एक आप परिकल्पना में जाओ ना, कल्पना में जाकर के देखो, मान लो नित्यम परिमंडलम, आत्मा जो है वो नित्य है, तो वो परिमंडल गोल होगा, अणु अणु जो एक देशी है वो परिमंडल होगा। अब मान लो आत्मा इतनी बड़ी, मैं मुट्ठी को मेरी को आत्मा समझ लीजिए, और मन है, मान लो ये उंगली मन है, अब मन इससे संपर्क कर रहा है, तो मन ये यहां संयोग को प्राप्त हुआ, तो मन आत्मा से संयुक्त हुआ किस जगह से? एक देश से हुआ ना, एक देश का कथन तो है ना, निरवय होते हुए भी उसमें एक देश का कथन तो करोगे ना, भी मन आत्मा से इस जगह से जुड़ा, दाईं तरफ से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, बाईं तरफ से, नीचे से, कहां से, सब जगह, इतनी सारी जगह, सब कितने भी आप कर लो, तो जैसे एक कंची से दूसरी कंची यूं मिले तो कहां से मिलती है, एक आंवले से दूसरा आंवला संयोग करे तो कहां से मिलता है, किसी एक ही जगह से तो मिलता है, तो ऐसे ही आत्मा से भी एक ही जगह से मन मिलेगा, तो उस देश को कहेंगे ना कि आपको कहना पड़ेगा ना कि मन किस जगह से जुड़ा हुआ है, बोले इस जगह से जुड़ा हुआ, तो एक देश का कथन होगा ना, एक देश ही आत्मा के भी एक देश का कथन हो जाएगा, सर्वव्यापक में तो घट ही जाएगा, एक देश ही आत्मा के भी एक देश का दाया भाग बाया भाग ऊपर नीचे ये सब हो जाएगा। नहीं होता है ना, ऐसा हो सकता है ना, क्या आपत्ति है? आगे देखिए, अब 20वां सूत्र, 15वां सूत्र है, इसमें सिद्धांती उत्तर दे रहा है। तत्व भाग तयोर नानात्व विभागात अव्यभिचारा, अरे अव्यभिचार है, बोले इसमें कोई व्यभिचार नहीं है, जो आप व्यभिचार दिखा रहे थे, खंडित कर रहे थे व्यभिचार दिखा के, बोले कोई व्यभिचार नहीं है, क्यों? बोले तत्व भाग तयोर नानात्वात, तत्व का मतलब है मुख्य वास्तविक, और भक्त का मतलब है गौण अप्रधान, भक्त प्रयोग बोलते हैं उसको, गौण प्रयोग बोलते हैं। तो तत्व और भक्त इन दोनों के, यानी मुख्य और गौण के नानात्व अलग अलग होने के विभाग से, मुख्य अलग चीज होती है, गौण अलग चीज होती है, इसलिए आपने जो कथन किए वो सारे, वो उसमें आपने जो व्यभिचार दिखाया वो व्यभिचार नहीं होगा, उसका उत्तर भाष्य से स्पष्ट होगा। तो कहते हैं नित्यम इति अत्र किम तावत तत्वम, बोले जो नित्य होता है उसमें तत्व क्या है, नित्य का मतलब क्या है? पूर्व पक्षी ने नित्यता कहां पर दिखा दी थी? घटाभाव में, और वो नित्यता का स्वरूप क्या उसने किया था? कारण वाला है वो, आदि वाला है, मिट्टी के कणों का वियोग हो गया, विभाग हो गया उससे, और अब वो अभाव
घटाभाव कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए वो नित्यता कह रहा था। तो बोले नित्य का मतलब क्या है, नित्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो नित्यम इति अत्र किम तावत तत्वमयो, नित्य है क्या, तत्व क्या है वास्तव में, नित्य क्या चीज है? तो कहते हैं अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुपपत्तिर नित्यत्वम्। अर्थांतरस्य, अर्थांतर की, अर्थांतर मतलब कोई भी वस्तु, ये वो कोई भी, अर्थांतर का मतलब कोई भी, अर्थांतरस्य कोई भी वस्तु कैसी होगी, अनुत्पत्ति धर्मकस्य जिसमें उत्पत्ति धर्म नहीं हो, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती हो, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती हो ऐसी किसी भी वस्तु का, अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुत्पत्ति रही, अपने स्वरूप की हानि न होना। आत्म मतलब अपने, हान का मतलब है नाश की, अनुपपत्ति मतलब असिद्धि होना, उसके अपने स्वरूप की का नाश न होना। अनुत्पत्ति धर्म वाली किसी भी वस्तु के अपने स्वरूप की समाप्ति न होना नित्यत्वम, इसे नित्यत्व कहते हैं। अर्थात जिसकी न तो उत्पत्ति होती हो और न नाश होता, उसे नित्य कहते हैं। तच्च अभावे नोपपत्यते, ये जो आपने घटाभाव कहा उसमें ये उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि घटाभाव की उत्पत्ति तो होती है। अब पूर्व पक्षी ने वहां पर नित्य का क्या अर्थ ले लिया था, जिसका नाश नहीं होता है, यद्यपि वो भी अर्थ लिया जाता है, लेकिन एक नित्य शब्द का गौण अर्थ है कि जिसका नाश नहीं होता है, और एक नित्य शब्द का मुख्य अर्थ है कि जिसकी न तो उत्पत्ति होती है और ना नाश होता है। यद्यपि सामान्यतः हम ये कहते हैं कि नित्य मतलब नाश रहित, और चूंकि जो नाश रहित होता है उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है, जिसका नाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है, उत्पत्ति वाला नाशवान होता है, ये हमारे संबंध व्याप्ति बने हुए हैं। इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग नित्य का, जो उत्पत्ति नहीं, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसको भी हम कह देते हैं कि ये नित्य है, जिसका नाश नहीं होता उसको भी हम कह देते हैं कि ये नित्य है, लेकिन ये नित्य के गौण प्रयोग है। नित्य का मतलब है जो सदा रहने वाला है, तो सदा रहने वाले का ये मतलब नहीं है कि आगे सदा रहेगा, सदा रहने का मतलब है जो पहले भी सदा था, पहले भी सदा था आगे भी सदा रहेगा, ये नित्य का मुख्य अर्थ है। और पूर्व पक्षी ने एक वाला अर्थ लेके बाद वाला खंडन किया था, तो उसका मूल चीज को, अर्थ को बता के इसमें तत्व क्या है नित्य शब्द का, उसको बता रहे हैं, उससे समाधान करेंगे। तो कहा अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुत्पत्ति नित्यत्वम और तद अभावे नोपपद्यते, ये जो लक्षण है ये अभाव में तो सिद्ध हो नहीं रहा, इसलिए अभाव तो नित्य है ही नहीं। भक्तम तो भवति, लेकिन गौण प्रयोग तो हो जाता है, गौण प्रयोग भी तो हो जाता है नित्य का। कहां यत तत्र आत्म आत्मानम अहासीत, कि उसने अपने स्वरूप को छोड़ दिया। यत तत्र, यत मतलब यहां घड़े को ले लीजिए, घड़े ने वहां अपने स्वरूप को छोड़ दिया। यत अत्र आत्मानम अहासीत, अपने स्वरूप को छोड़ दिया, अहासीत इसी को खोल रहे हैं आगे, बराबर कर लेना क्या, यत भूतवा न भवती, जो होकर के नहीं रहता है, होकर के नष्ट हो गया, क्योंकि घटाभाव में पूर्व पक्षी ने यही बताया था हो हुआ और होकर के नहीं रहा। यत भूत्वा न भवती अल्पविराम, न जातु तत् पुनर्भवती, और वो फिर से कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव, ये जो घट का अभाव है नित्य के समान नित्य है, वास्तव में नित्य नहीं है, यानी ये नित्य शब्द का गौण प्रयोग है, भक्त प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है, तत्वतः नहीं है आप जो प्रयोग कर रहे हो। तो तत्र नित्य इव घटो, नित्यो घटाभाव, घट का जो अभाव है वो नित्य के समान होने से नित्य कह दिया गया। इति अयम पदार्थ, ये वास्तव में इसका शब्द का अर्थ है, पद का अर्थ है, जो आप घटाभाव में नित्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो वहां इस अर्थ में कर रहे हो, और नित्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है वो यहां पर बताए, जो जिसकी न उत्पत्ति होती है और नाश होता है। आगे तत्र यथा जातीय का शब्द, दूसरी बात कह रहा है सिद्धांति कि जिस प्रकार का शब्द है, न तथा जातीय कम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते, उस प्रकार का कोई भी कार्य नित्य नहीं होता है,
भाई आप शब्द के लिए ले रहे हो तो शब्द के लिए आप घटाभाव को लेकर के आ गए। शब्द का उदाहरण है कि शब्द नित्य है या अनित्य है, तो आपको शब्द जैसी कोई चीज लेनी होगी जिसको आप कहो कि ये नित्य है तो शब्द भी नित्य है। तो कहा तत्र यथा जातीय कह शब्दो, जिस प्रकार का शब्द है यानी वो गुण है या कार्य है, न तथा जातीय कम कार्यम, उस प्रकार का कोई भी कार्य किंचित नित्यम दृश्यते, कोई भी नित्य नहीं दिखाई देता है। इति अव्यभिचार है, इसलिए इसमें कोई व्यभिचार नहीं है। दूसरे ढंग से उत्तर दे रहा है, पूर्व पक्षी ने व्यभिचार दिखाया था घटाभाव को देखा करके। सिद्धांती कह रहा है कि जिस तरह का शब्द है उस तरह की कोई चीज नहीं है जो कि नित्य हो। अगर शब्द जैसी कोई चीज नित्य आप बता दो, सत्तात्मक चीज को नित्य बता दो, तो हम मान लेंगे कि शब्द भी नित्य है। आदि वाली कोई चीज हो, सत्तात्मक होनी चाहिए। आपने जो घटाभाव को दिखाया वो तो शब्द जैसा नहीं है, शब्द तो सत्तात्मक था, घटाभाव तो अभावात्मक है। आप सत्तात्मक कोई चीज ऐसी लेके आओ जो कि आदि वाली हो और फिर नष्ट नहीं होती हो, तो हम व्यभिचार को मान लेंगे, नहीं तो ये कोई व्यभिचार ही नहीं है। आपको शब्द जैसी सत्तात्मक चीज का उदाहरण देना था, घटाभाव थोड़ा ना बनेगा, ये तो विपरीत चीज है। इसलिए कहा तत्र यथा जातीय का शब्दो न तथा जातीय कम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अव्यभिचार, इसका कोई व्यभिचार नहीं हुआ। आगे देखिए, और जो कहा था उसने यद्यपि सामान्य नित्यत्वादिति, जो आपने कहा था जाति के नित्य होने से, सामान्य के नित्य होने से, तो इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यम इंद्रिय कमिति, बोले हमने ये कहा था कि जो इंद्रिय की प्रत्यासक्ति से ग्राह्य होता है वो इंद्रियक है। तो यहां पर श्रोत्र इंद्रिय के प्रत्यासक्ति से, निकट आने से जिसका ज्ञान होता है उसको हमने इंद्रियक कहा था, न कि यह अर्थ था कि जिसको इंद्रिय से जाना जाता है वो अनित्य है, यह हमारा नहीं था। इंद्रिय प्रत्यासक्ति वाली बात थी, प्रत्यासक्ति पे जोर दे रहा है। तो 16वें सूत्र में कहा संतान अनुमान विशेषणार्थ, तो यह शब्द से संबंधित है, तो इसलिए शब्द शब्द में संतान के अनुमान के विशेषण होने से। भाष्य देखिए, नित्येषु अव्यभिचारः इति प्रकृतम्, ऊपर जो कहा था ना कि नित्य में व्यभिचार नहीं होगा, अव्यभिचारः। तो कहा न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम्, इंद्रिय के ग्रहण के सामर्थ्य से कि शब्द को इंद्रिय से गृहित किया जा सकता है, श्रोतेंद्रिय से गृहित किया जा सकता है, इतने सामर्थ्य से श्रोतेंद्रिय से ग्रहण हो सकता है, यह सामर्थ्य किसकी है? शब्द की। तो शब्द इंद्रिय से गृहित हो पा रहा है, इतने सामर्थ्य से हमने उसकी अनित्यता नहीं कही थी कि चूंकि शब्द श्रोतेंद्रिय से गृहित हो सकता है इसलिए वो अनित्य है, ये थोड़ा ना कहा था हमने। इंद्रिय से गृहित हो सकता है इसलिए अनित्य, ये थोड़ा ना कहा था हमने। इसलिए कहा था न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम्। पूर्व पक्षी पूछा किम तरी, फिर कहा क्या था आपने? बोले इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यत्वात् संतानानुमानम तेन अनित्यत्वम इति, बोले इंद्रियों की प्रत्यासक्ति से ग्राह्य होता है वो शब्द, इंद्रिय के निकट आते हैं तो गृहित होते हैं, चाहे भेरी का हो चाहे तंत्री का हो, दूरस्थ शब्द जब श्रोत्र इंद्रिय के पास में आता है तब वो गृहित होता है, इससे हमने अनित्यत्व सिद्ध किया था। उससे अनित्यत्व कैसे होता है? बोले जब इंद्रिय की श्रोत्र इंद्रिय की प्रत्यासक्ति से उसका ज्ञान होना सिद्ध हो रहा है तो उसका शब्द का संतान भी सिद्ध हो गया, क्योंकि शब्द जहां वहां उत्पन्न हुआ है तो वहीं रहेगा, यहां तक आ रहा है तो वो संतान से ही आ रहा है, उत्पन्न होते हो करके आ रहा है। तो इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यत्व से संतान का अनुमान किया हमने, और संतान के अनुमान से संतानुमानम अल्प विराम ले लीजिए, और तेन अनित्यत्वम इति, तेन मतलब संतानानुमान है ना, संतान का अनुमान करने से इस शब्द का अनित्यत्व भी सिद्ध होता है। इसलिए यह हेतु नहीं था कि जिसको इंद्रिय से गृहित करते हैं वो अनित्य होता है, क्योंकि तो सामान्य का नित्यत्व वो वहां पर आ ही गया वे विचार, तो बोले हमारा अभिप्राय यह नहीं था, हमारा अभिप्राय कि प्रत्यासक्ति से गृहित होता है, और वहां पर इंद्रिय तत्व को प्रत्यासक्ति से खोला भी था भाष्यकार ने, सूत्रकार ने तो इंद्रिय तत्व इतना ही लिखा है। तो यहां पर इन्होंने 16 सूत्र में तक इसका
उत्तर दिया, दो चीजों का उत्तर दिया। और जो 14वें सूत्र में अंतिम बात थी, नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारात्, नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारात्, इसका उत्तर आगे 17वें सूत्र में देंगे। अभी तक इन्होंने किसका दिया है, एक तो घटाभाव का और एक सामान्य नित्यत्व का, दो चीज का। तत्व भाग तयोर नानात्व विभागात अभ्यभिचार। हाँ, तो इसमें जो था ना घटाभाव का, तो इन्होंने प्रयोग किया नित्यत्व नित्यत्व का 15वें सूत्र से, और सामान्य नित्यत्वाद का किया, हाँ, इसका जो इंद्रिय इंद्रियकत्वाद का खंडन था सामान्य नित्यत्वाद का, इसको 16 से किया संतान अनुमान विशेषणा, संतान के अनुमान के विशेषण से हम ये यहां पर अनित्यत्व को जान पा रहे हैं। और अगला वाला फिर आगे देखेंगे, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सदा अभिवादन। ओम शांति।